नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घटना हो रही है, इसके पीछे ब्राउन शुगर का कारण माना जा रहा है। ब्राउन शुगर को पूर्णतः रोक लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय सिटी के द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि उन्हें ब्राउन शुगर किसी भी कीमत पर बिक्री नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी थानेदार सक्रिय हैं, अपने अपने थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के बिक्री के संबंध में सूचना संग्रहण कर रहे थे। उसी दौरान थाना प्रभारी मानव को सूचना मिली थी कल के पर्यावरण पार्क के पास ब्राउन शुगर की बिक्री होती है। इस सूचना पर मुझे भी जानकारी दी गई, वहाँ पर छापामारी करने के लिए एक टीम गठित किया गया। विधिवत वहाँ पर जो छापामारी पर्यावरण पार्क के पास छापामारी की गई, उसमें पुलिस को देख करके चार आदमी जो खड़े थे पूर्व से वो भागने लगे, जिसमें खदेड़ कर पकड़ा गया और जिसका नाम है शेख जब्बार उर्फ शेख अब्बर। ये आपको ड्रम फैक्ट्री के पास का रहने वाला है। संतोष कुमार उर्फ डीजे, ये आपको दाय गुटुम हनुमान मंदिर के पास का रहने वाला है। आनंद पाठक उर्फ अजय राज, ये सलेग रोड बीज बिहारी भालूबासा का रहने वाला है। और एक शिवाजी गोफ है जो दाय गुटुम फॉरेस्ट कॉलोनी का रहने वाला है। इन लोग के पास से जब बारी बारी से तलाशी लिया गया तो इन लोग के कुल 54 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। और ब्राउन शुगर के जो बिक्री करने में इन लोग पैसा का कलेक्शन किए थे लोगों से, वो 2490 रुपया बरामद किया गया है। और इन लोग के पास से 2 सैमसंग कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। ये इन लोग के विरुद्ध प्राथमिकी NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पकड़ाए ये जो है शिवाजी गोप, वो नांडू करके प्रसिद्ध है, जो पिछले बार भी मैंने ये ब्राउन शुगर का मैंने तस्कर है। पिछले बार भी एक लड़की के साथ एक छोटी कार से ब्राउन शुगर का ले जा रहा था, उस समय ये लड़की पकड़ा गई थी, लेकिन ये भागने में सफल हो गया था। गाड़ी को जब्त किया गया था, ब्राउन शुगर को बरामद करके लड़की को जेल भेज दिया गया था। उसके तुरंत बाद भी वो एक आदमी को पकड़ा गया था जो नांडू भी उसमें शामिल था, उस समय भी ये भागने में सफल हो गया था। और कोई इसमें है, और कोई लोग हैं? ब्राउन शुगर इन लोग का लिंक बताता है कि जब आदित्यपुर से लाते हैं, आदित्यपुर से कोई महिला इन लोग को देती है, वहाँ भी छापामारी किया गया है। वहाँ भी जहाँ पर बताया गया इन लोग निसंदेह पर अति किया गया, लेकिन वहाँ से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।